सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर अपन ने फर्स्ट और सेकंड अपन ने देख लिया था, आज हम लेसन नंबर थर्ड देखेंगे और इसका आज मैं आप लोगों को आधा लेसन समझाऊंगी और उसके आधे क्वेश्चन आंसर की आप लोगों को वीडियो दी जाएगी, उसे आप कृपया अपनी कॉपी में उतारें। लेसन नंबर थर्ड का नाम दिया है आपका सैल्यूटेशन टू द नेशन, इसको लिखा गया है आपका एमपी कमाल एंड एसआर के भार्गव। मैंने आप लोगों को सबसे पहले आपकी कॉपी में इंडेक्स बनाने के लिए कहा था क्योंकि इंडेक्स बनाना आप लोगों को बहुत जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड में हमेशा आपके जो पांच नंबर है वो पांच नंबर आपके लेसन के नाम और उसका राइटर, ये चीज आप लोगों को याद करना है। इसलिए आपके जैसे जैसे लेसन होते जाते हैं उसके नाम और उसके आपका जो राइटर है उस राइटर को आप याद करें। आज हम लेसन नंबर थर्ड देखते हैं, उसका जो राइटर बताया है वो बताया आपका एम पी कमाल एंड एस आर के भार्गव। मैं फिर से रिपीट कर लूँ, एम पी कमाल एंड एस आर के भार्गव। सैल्यूटेशन टू द नेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम करना, ठीक है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम, टू द नेशन देश को सलाम, राष्ट्र को सलाम। इसमें ये जो आपका लेसन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें आप लोगों को बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ये जो लेसन है आप लोगों का ये डिपेंड है आप लोगों का, इसमें कैरेक्टर बताया गया है भगत सिंह। भगत सिंह का नाम आपने जब सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा उसमें भी आप लोगों ने इस नाम को पढ़ा होगा, सुना होगा, ये कोई नया नाम आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। और इसी लेसन में आप लोगों को तीन और नाम बताए जाएंगे जिसे हमने भगत सिंह पढ़ लिया है, राजगुरु और सुखदेव। इन लोगों के बारे में आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, नाइन्थ में भी एक लेसन आपके बारे में दिया गया है, वो भी अगले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब नाउ स्टार्ट द लेसन। भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। भगत सिंह जो एक लेनिन जो बताया गया है, एक लेनिन एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जीवन कथा के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। In fact, वास्तव में he had just read a few pages. वह उसने कुछ ही पेज पढ़े थे when the door of the dungeon opened and left the jail officer. ठीक है, डंजियन का मतलब होता है कि काल कोठरी के अंदर भगत सिंह को बंद कर दिया गया था और उस बंद कोठरी में जो भगत सिंह था वह भगत सिंह लेनिन की जीवन कथा के बारे में पढ़ रहा था और उसने कुछ ही पेज पढ़े थे उतने में वहाँ जो काल कोठरी, उस काल कोठरी के अंदर एक जेल ऑफिसर वहाँ के अंदर प्रवेश करता है। सरदार जी प्लीज बी रेडी, और उसने आते से ही कहा कि सरदार जी आप कृपया तैयार हो जाइए, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी एट द एग्जीक्यूशन, आपको फांसी की सजा होने जा रही है, हमें उसकी तैयारी करना है, सेड द ऑफिसर, उस अधिकारी ने कहा। भगत सिंह वाज रीडिंग द बुक, भगत सिंह किताब पढ़ रहा था, he told the officer without raising his eyes from the book, और किताब पढ़ने में वो इतना व्यस्त था कि उसने अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाई और बिना आंखें ऊपर उठाते हुए उसने उस व्यक्ति को जवाब दिया, वेट इंतजार करो, वन रिवोल्यूशनरी इज बीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी, एक रिवोल्यूशनरी एक क्रांतिकारी जो है वह दूसरी क्रांतिकारी से अभी उसकी बात चल रही है, इसलिए मैं यहाँ से अभी नहीं उठूंगा। द ऑफिसर वाज स्टंड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। भगत सिंह ने उस ऑफिसर ने उस अधिकारी ने जब भगत सिंह की इस बदलते हुए आवाज में जब उसने बात करी तो वह एकदम चकित हो गया एंड स्टूड स्टिल और चुपचाप खड़ा हो गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक, और भगत सिंह ने फिर से अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दी। ऑल ऑफ सडन ही हडल्ड अप द बुक इन द एयर, और इतने में अचानक उसने उसकी जो किताब थी वो हवा में उछाली, स्टूड फोर्थ एंड सेड लेट्स गो, और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि चलो। राजगुरु एंड सुखदेव आल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स, राजगुरु और सुखदेव, अभी अपन ने भगत सिंह का नाम पढ़ा और नेक्स्ट कैरेक्टर बताया है आपका इसमें राजगुरु और दूसरा आपका बताया है सुखदेव। इन तीनों को जब फांसी की सजा होने वाली थी तो उसका वर्णन आपका इस पाठ में किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने उस फांसी के फंदे को अपने कंधे से लगाया। राजगुरु सुखदेव आल्सो केम ऑफ देयर सेल्स, वो भी अपनी कोठरी से बाहर आ चुके थे, दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेन देयर फोर फेसेस कवर्ड, दे हैड रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया था। आप लोगों को पता है कि किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा होती है तो उसका जो मुंह है वो ढका जाता है, बट लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था, अपना मुंह ढकने से इन्होंने मना कर दिया। वियर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड, वियर द कैप, उन्होंने अपनी कैप पहनी, अपनी टोपी पहनी एंड गेट हैंडकफ, और अपनी हथकड़ियां खुद ही उन्होंने पहन ली। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officials on all sides. The three revolutionaries, ये तीनों जो क्रांतिकारी थे, walked along singing a patriotic song, यहाँ देशभक्ति पर गाना गाते हुए बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़े, and were followed by the jail officials on all sides. और वो जो जेल ऑफिसर उन्हें लेने के लिए आए थे, वो क्रांतिकारी उन्हें लेने के लिए आए थे, उनके पीछे चले गए। A huge crowd assembled at the gate consisting of photographers, reporters, a public and the members of Bhagat Singh's family. A huge crowd had assembled
हसन वाला, वहां पर उस जेल के बाहर बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अनेक प्रकार के फोटोग्राफर्स थे, रिपोर्टर्स थे, पब्लिक थी एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली, और उसमें उस भगत सिंह के फैमिली के कुछ परिवार के कुछ सदस्य भी वहां पर थे। आज मैं आप लोगों को इतना ही समझाऊंगी, इसका अगला जो पार्ट होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।